hello students of class 7 this is my video number 6 and i will continue your chapter number 9 that is movement of substances come to the page number 94 and today i will explain you the human excretory system the excretory system in human being is composed of one pair of kidneys a pair of ureter that carry urine A urinary bladder that stores urine and a urethra which throws out urine. We can see this in the picture of picture 9.8. अच्छा एक चीज मैं आपको explain करूँ आपके पास जो kidneys इस picture में बनी हुई हैं वो कुछ ऐसे flower like बनी हुई हैं ठीक है ना इस तरह करके तो इसको जो है ना इसका आप शेप जो है वो कन, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा ये इस्ट मैंने इसको इसमें सही कर दिया है ये इस टाइप की हैं ये बीन शेप्ड होते हैं ठीक है ना तो प्लीज़ इसको आप जब भी बनाएं एक्सरिटरी सिस्टम को इस तरह बनाइएगा और किडनीज की फॉर्मेशन ऐसे रखिएगा अब इसमें आपको इन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्सरीटरी सिस्टम में इट हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज़ एक एक ये रहा एक ये रहा एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स दैट कैरी यूरिन ये यूरेटर्स हैं ये देखिए ये किडनीज हैं ये यूरेटर्स हैं ये दोनों यूरेटर हैं इसमें यह है यूरिन होता है अ ब्लैडर अलैडर दैट स्टोर यूरिन ये इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है एंड यूरथ्रा ये यूरथ्रा है विच थ्रोज आउट यूरन इसके जरिए यूरिन हमारी बॉडी से बाहर आता है ठीक है ना तो ये चार चीजें जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं द किडनीज यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ठीक है कम टू द नेक्स्ट पेज द किडनीज आर डार्क बीन शेप्ड ऑर्गन्स लोकेटेड अगेंस्ट द बैक बैक वॉल ऑफ द एबडमिनल कैविटी ये हमारे जिसम की किडनीज़ जो हैं वो रेड बीन शेप्ड के ऑर्गन हैं जो कि पीछे की तरफ यानी बैक बॉल जो होती है हमारी एबडामनल कैिटी की उसमें मौजूद होती है देर आर टू किडनीज इन अवर बॉडी हमारे पास दो किडनीज होती हैं एंड ईच वेज अबाउट वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी ग्राम और उनका वजन एक सौ बीस से लेकर एक सौ पचास ग्राम तक होता है ईच कडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स हर किडनी के अंदर एक क्वल्ड कॉइल्ड यानी इस तरह घूप उस तरह यूँ 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 करके कोइल्ड बहुत सारी जो है वो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं नेफ्रॉन्स फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड उन नेफ्रॉन्स का काम क्या है दैट फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स उनमें से क्या होता है कि ब्लड आगे चला जाता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो उस नेफ्रॉन के नेफ्रॉन्स जो है उन्हें फिल्टर कर देती हैं और उन्हें वहीं रोक लेती हैं नेफ्रॉन लुक्स अ स्मॉल कप और फनल एक फनल की तरह होती हैं ट्यूब ए, उसकी तरह जैसे कीफ़ जैसे होती है जो फनल होती है आपने देखी होगी या कप की तरह होती हैं ठीक है ना विद अ लॉन्ग ट्यूब अटैच टू इट और इसके साथ साथ एक लंबी सी ट्यूब होती है ठीक है ना देर इज़ अ मैश ऑफ कैपिलरीज इन ईच ऑफ दीज कप और उसमें बेनतहा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं बहुत सारी कैपिलरीज़ उस कप्स में मौजूद होती हैं उस फनल में यानी नेफ्रॉन्स में वाटर एंड वेस्ट सच एज़ यूरिया एंड सॉल्ट फिल्टर इन टू द कप्स फ्राम द ब्लड इन द कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ में जितना जो है वो आपका वाटर होगा एज वेस्ट और यूरिया जित यूरिया और सॉल्ट्स, जितने भी चीज़ें ना यूरिया और सॉल्ट जो है वो उनमें से सारे वो कप्स जो है वो फ़िल्टर कर लेते हैं नेफ्रॉन्स फिल्टर कर लेते हैं और ब्लड को आगे भेज देते हैं द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी अब उसमें से ब्लड साफ़ हो गया यूरिया और सॉल्ट्स वहीं रुक गए नेफ्रॉन्स में और साफ ब्लड जो है वो आगे की तरफ मूव कर गया वाइल द वेस्ट फ्लोज इंटू द स्मॉल ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन्स अब वो जो नेफ्रॉन्स के कप लाइक -like स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे जो ट्यूब्स होती हैं उनमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो फ़्लो करता है द स्मॉल ट्यूब्स ज्वाइन अप टू फॉर्म बिगर ट्यूब्स वो छोटी ट्यूब्स बाद में बड़ी हो जा बड़ी हो जाती हैं विच इन टर्न जॉइन द यूरिटर्स और उसके बाद वो यूरिटर्स से जॉइन हो जाती हैं द वेस्ट मटीरियल कलेक्टेड इन द किडनीज फॉर्म द लिक्विड यूरिन अब वो वेस्ट मटीरियल जो कि कलेक्ट होता है किडनीज में यानी यूरिया वाटर और सॉल्ट ये सब एक लिक्विड फॉर्म करती हैं जिसे हम यूरिन कहते हैं ठीक है यहाँ पर ये सिस्टम आपका ये एक्सरेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया ठीक है ना जिसमें यूरिन बन गया अब आपको वो वहाँ से यूरेटर से वो फिर ब्लैडर में जाएगा ब्लैडर में जमा हो जाएगा फिर एक ख़ास क्वांटिटी जब उसकी जमा हो जाती है तो फिर किसी भी इंसान किसी भी ह्यूमन बीइंग को उसमें जब वो ब्लैडर फिल हो जाता है तो आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होती है जब वो यूरिन पास कर लिया जाता है वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है वो पास कर लिया फिर आपका ब्लैडर खाली हो जाता है और ब्लैडर खाली जब हो जाता है तो इसी तरह ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स पूरा आ, मतलब टाइम टू टाइम चलता ही रहता है हर वक्त होता रहता है तो इस तरह फिर वो दोबारा जो है वो वही प्रोसेस होगा और ब्लड से यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होंगे ये सॉल्ट्स और यूरिया जो है वो फिल्टर होते रहेंगे और वो फिर इसी तरह दोबारा जमा हो जाएंगे आप किसी का भी ब्लैडर वो दोबारा फिल हो फिल होगा फिर आप लोग ये एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है ठीक है अब द इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टॉपिक है वो है डायलिसिस का ठीक है द किडनी प्योरीफाई आवर ब्लड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन कि किडनी जो है वो प्योरिफाई कर देती हैं ब्लड को बिल्कुल और रिमूव कर देती हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन यूरिन बन जाता है तो वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन ब्लैडर में आ गया और क्लीन ब्लड जो था वो आगे की तरफ मूव कर जाता है इफ़ द किडनीज बिकम डिजीज एंड सीज फंक्शन फंक्शनिंग अगर किडनी किसी तरह बीमार हैं या उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है द ब्लड गेट पॉइजन एंड द पेशेंट डाइज उसमें क्या होता है कि फिर वो नेफ्रॉन्स उसको यूरिया को और सॉल्ट्स को प्योरिफाई नहीं कर पाती ब्लड को वो नहीं रोक पाती हैं और वो ब्लड में ही रहते हैं और वो आगे की तरफ पूरी बॉडी में फिर वो ब्लड जो है यूरिया और सॉल्ट के साथ साथ वो ट्रेवल करता है ब्लड उसकी वजह से क्या होता है कि वो पॉइजनड होता है क्योंकि वो टॉक्सिक होता है उससे किसी भी पेशेंट में जो है वो मर सकता है वो द ओनली वे टू डील विद किडनी फेलियर इज टू ट्रांसप्लांट अ हेल्थी किडनी ऑबटेन फ्रॉम अ लिविंग और जस्ट डेड पर्सन और टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम द ब्लड आर्टिफिशली अब एक ही चीज़ है जो कि किडनी फेलियर को जो है वो रिमूव वो कर सकती है कि अगर किडनी किसी का फेलियर है यानी काम नहीं कर रहा है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर दें एक हेल्दी किडनी से यानी किडनी निकाल के किसी हेल्दी आदमी का या दूसरे शख्स का जो है वो किडनी उसको लगा दिया जाए या फिर एक जस्ट डेड पर्सन यानी किसी की अभी अभी डेथ हुई हो तो वो चूँकि उस वक्त बॉडी थोड़ी सी ब्लड जो गर्म होता है तो अगर जैसे किसी की डेथ हुई है उसी वक्त अगर उसका ऑपरेट करके किडनी निकाल लिया जाए और ऐसे बंदे को लगा दिया जाए जिसकी किडनी फेलियर है या काम नहीं कर रही है तो फिर क्या होता है कि वो किडनीज जो है फिर काम करना शुरू कर देती है इस तरह उसकी बचत हो सकती है यानी एक किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है दूसरे शख्स में एक किडनी एक शख्स से निकाल के दूसरे में लगा दी जाती है ठीक है अब लेकिन बाज़ दफ़ा वो नहीं भी हो पाता तो एक और टेक्निक है जिसके जरिए हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली रिमूव कर सकते हैं बॉडी से ठीक है ना तो द टेक्निक ऑफ़ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं ठीक है? जिसमें हम आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड से यूरिया और सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं इन डायलिसिस ब्लड फ्राम एन आर्ट्री इन द आर्म और लेग इज़ ड्रॉन इन टू द डायलिसिस मशीन एंड प्योरिफाई ब्लड इज़ फेड इन टू अ वेन अब क्या करते हैं हम कि हम किसी आर्टरी के साथ यानी डायलिसिस क्या है ब्लड क्या करते हैं हम एक आर्ट्री को हम कट करते हैं वहाँ पर हम उसको ट्यूब्स के जरिए मशीन से जोड़ देते हैं वहाँ से कट लगाने के बाद सारा ब्लड जो है वो आर्टरी से उस मशीन के अंदर जाता है और मशीन से ब्लड प्योरिफाई होकर वापस जो है वो वेन में डाल दिया जाता है इस तरह क्या होता है वो काम जो कि किडनीज़ नहीं कर पाती हैं वो वो मशीन कर रही होती है ठीक है ना वो मशीन से क्या होता है वो साल्ट और यूरिया वहीं रोक लेते हैं और क्लीन ब्लड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं द पर्सन रिक्वायरिंग डायलिसिस हैज़ टू अंडर गो एन एट आर सेशन कनेक्टेड टू द डायलिसिस मशीन उसमें ये होता है कि ये इस प्रोसेस में एक शख्स को जिसकी किडनी फेलियर है वो उस मशीन के साथ तकरीबन सात से आठ घंटे जो है वो कनेक्टेड रहता है और डायलिसिस मशीन से एवरी टू और थ्री डेज कभी दो दिन के बाद या फिर कभी तीन दिन के बाद उसे इस प्रोसेस से गुजरना होता है द डायलिसिस मशीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं डायलिसिस मशीन को जाहिर है क्योंकि वो ब्लड को प्योरीफाई करती है डायलिसिस इज़ एन एग्जॉस्टिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस डायलिसिस जो है वो एक बहुत एक्सपेंसिव भी है और एग्जॉस्टिंग भी है क्योंकि एक पेशेंट को सात से आठ घंटे उस मशीन के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है ताकि सारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो और वो आगे मज़ीद बॉडी में ट्रेवल करे ठीक है नो यू नो पे आ जाइए सॉरी डू यू नो पे आ जाइए कहते हैं येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम जो यूरिन का कलर है येलो वो यूरोक्रोम की वजह से है दिस पिगमेंट इज़ फॉर्म फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल ये जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो वो ये येलो कलर यू यूरो, यूरोक्राम में चेंज हो जाते हैं और ये येलो कलर बन जाता है यूरिन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड यूरिया यूरिन में ज़्यादातर पानी होता है या फिर यूरिया ग्लूकोज़ जनरली इज़ नॉट प्रजेंट इन यूरिन ग्लूकोज जो है वो मौजूद नहीं होता यूरिन में प्रजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरन इंडिकेट दैट द पर्सन मे बी सफरिंग फ्राम डायबिटीज़ ऐसे पर्सन जिनमें के यूरन में ग्लूकोज मौजूद होता है वो एक्चुअली एक डिज़ीज़ है डायबिटीज़ उससे सफ़र कर रहे होते हैं ठीक है न तो ये चीज़ अब आपकी समझ आ गई होगी अब इसके अंदर काम क्या है ये आपने करना यह है कि मैं आपको ब्लैंक्स बता रही हूँ वो कीजिए ठीक है पहली ब्लैंक आप ये खुद करने हैं आपने ठीक है ना ब्लैंक्स फिलेंदी ब्लैंक्स की हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा द किडनीज आर डार्क बीन रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स किडनीज को अंडरलाइन कीजिएगा दूसरी ब्लैंक आप लिखेंगे अ नेफ्रॉन लुक्स लाइक अ स्मॉल कप और फनल तो नेफ्रॉन को अंडरलाइन कीजिएगा तीसरी ब्लैंक आप लिखेंगे द वेस्ट मटीरियल कलेक्टेड इन द किडनी फॉर्म अ लिक्विड यूरिन यूरिन को अंडरलाइन करेंगे आप चौथी ब्लैंक आप लिखेंगे ये हो गई पहली ये हो गई दूसरी ये हो गई तीसरी एंड दिस विल बी योर फोर्थ वन द किडनीज़ प्योरिफाई आवर ब्लड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन और यूरिन को आप अंडरलाइन करेंगे ठीक है अब हम दो इसमें से बनाते हैं यू नो डू नो में से ये आपकी फिफ्थ वन हो जाएगी

दैट इज नाउ यू नो इसको भी फिल कर लेते हैं ये भी आप अपनी कॉपी पर करेंगे डू इन योर कॉपी ठीक है फिल इन द्लाइंक द मेन एक्सरिटी ऑर्गन इन द्यूमन बॉडी इज किडनी द वेस्ट मटीरियल कलेक्टेड इन द किडनीज फॉर्म अ लिक्विड यूरिन ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफर डी द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सरेशन द डायलिसिस मशीन ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशल किडनी ठीक है पाँच ब्लैंक्स ये हैं छः वो हैं टोटल एलेवन ब्लैंक्स हो जाएंगी आपकी ये आप अपनी कॉपी पर करेंगे इस टॉपिक के साथ ठीक है ओके आ, मैं आपको जो ये एक्सरसाइजेज हैं एक्सरसाइज ए बी और सी ये आई विल कंटिन्यू एट इन माई नेक्स्ट वीडियो Okay, Allah Hafiz.